माधवानंद जी, आपने तीनों को सुना। अगर वाकई अमित जमाई के हिसाब से आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद को, अखिलेश यादव क्यों आते हैं वहां पर? आपको ये सवाल बनता है अमित जमाई से कि नहीं बनता? वेंकैया नायडू जी, दीपक जी ने प्रश्न मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं। थोड़ी सभ्यता रखिए, भारत के संविधान में कम से कम इतना भरोसा रखिए। माधवानंद जी प्लीज, सिर्फ माधवानंद की आवाज। हाँ दीपक जी, 17वीं लोकसभा का 6ठा सत्र, जो आदरणीय स्पीकर साहब ने भी कहा कि कामकाज के हिसाब से अच्छा के अनुरूप है, विपक्षी नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो पूरा जो एकजुट हुआ था, जिस तरह का बिहेवियर उसने किया, लोकतंत्र को खराब करने वाला है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों पे आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संसद की गरिमा को अगर कोई भंग करता है, और लोकतंत्र संसद का जब सत्र चलता है तो हित के मुद्दे पे ही डिस्कशन होता है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन ये विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं थे। चाहे किसान का मुद्दा हो या पेगासस का मुद्दा हो या तमाम अन्य तरह के मुद्दे हो, जहां चर्चा हो, ये लोग महंगाई की बात करें। सरकार ने कहा कि आप आइए संसद चलने दीजिए, हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके पास ना नेता है ना इनकी नीति है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है, और यही मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। यही कारण है कि लगातार इन लोगों को विपक्ष में बैठने की आवश्यकता पड़ रहा है। और 2024 में भी मैं इन लोगों को एडवांस में कहना चाहता हूं, जिस तरह का रवैया है, आप लोग विपक्ष में ही बैठने का काम करेंगे। देश हित सर्वोपरि है, देश हित से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करेगी। और जो आप लोगों ने किया है इस बार लोकतंत्र में, एक दिन भी सत्र सही से नहीं चला है। अरे आपको जो मुद्दे उठाने थे आप डंके की चोट पे बहस करते वहां, लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर में बेंच पे चढ़ जाते हैं, पूरी जनता देख रही है आपको। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। संजीव जी माफ कीजिएगा, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रहा था, मैं चाहता था आप चारों लोगों को सुन ले। अब मुझे बताइए, चारों को सुनने के बाद गलत कौन है ज्यादा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? गलती दोनों की, पर ज्यादा गलत कौन है? सबसे पहली बात तो जो आपके आज की देश की बात में जो सवाल है कि क्या ये सही है कि गलत है, कि वो मेज पे चढ़ के उन्होंने रूल बुक है कि ये किया वो किया, उस पे तो शायद ना कोई सत्ता पक्ष वाला ना कोई विपक्ष वाला कोई भी सही नहीं कह रहा। इंग्लिश में एक जो जो समाजवादी पार्टी के नेता बोले, उन्होंने भी कहा गुस्सा सही था, तरीका जायज नहीं था। तो इस बात को तो कोई सही ठहरा ही नहीं सकता, जिस तरह से विपक्ष एक तरह से अराजकता पैदा कर रही है और इस तरह की हरकत कर रही है सदन में। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा इसमें सरकार की गलती ज्यादा मानूंगा। सरकार की गलती इसलिए ज्यादा मानूंगा कि सरकार का काम है विपक्ष को के साथ विश्वास मिले, सदन चलाए। आप बार बार लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं, सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। दर्शक महोदया जो इतना अच्छी बोली, उन्होंने कहा हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन हम लोकतंत्र की नींव को तो खोखला करे जा रहे हैं। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर अब बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहले के मुकाबले 10% भी नहीं जाते चर्चा के लिए। जो आईटी कमेटी की बैठक थी जिसको पेगासस का डिस्कस करना था, वहां बीजेपी के मेंबर्स पहुंच के भी उन्होंने कोरम में उन्होंने असाइन नहीं किया, जैसे कि अनुपस्थित है। तो पार्लियामेंट की हर संस्था का, हर कमेटी का एक तरह से सर पर हाथ गिरा रहा है, मतलब। तो चालाकी से जहां जहां कर जाए वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये सबके सामने में इसमें नाजे तो ये गलत है, तो ये तो बात गलत है ना। तो बात यह है कि अगर लोकतंत्र की मर्यादा रखनी है, सदन की गरिमा रखनी है, संसद की गरिमा रखनी है, तो सरकार को पहल लेनी पड़ेगी।